नमस्ते किसान भाइयों, मैं अंकित यादव आपके इस यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान डेयरी फार्म में सभी भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आपके घर में उस समय बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल रहता है जब आपके भैंस ने बिल्कुल सही सलामती से डिलीवरी कर दी, और अगर बिल्कुल टाइम से जो जेर गिरा दे तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि आप सोचते हैं कि जो पशु है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से फ्री हो गया है। परंतु कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो आपकी भैंस है या गाय है वो 5, 6, 7 घंटे के डिलीवरी टाइम के बाद भी आपके जो पशु है वो जेर नहीं गिराते, जिससे किसान भाई की जो टेंशन है वो बढ़ती जाती है। और अगर डॉक्टर आपके घर में आ गया तो लगभग 2-3 हज़ार रुपया बिल्कुल आराम से ले जाएगा, क्योंकि जेर को हाथ से निकालेगा, कुछ अंदर दवाई भी रखेगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो सकता है। किसान भाइयों, आज बात करेंगे कि एक ऐसे ही फार्मूले की जिससे आप अपने पशुओं की जेर है वो बिल्कुल ही कम समय में और निश्चित ही गिरा सकते हैं। दोस्तों, आपको 3 चीज़ें लेनी है, जैसे सोया के बीज आपको 100 ग्राम की मात्रा में, अश्वगंधा जिसको पंसारी की दुकान से आपको बढ़िया क्वालिटी का लेके आना है वो भी 100 ग्राम, और 50 ग्राम जो अदरक का सूखा हुआ रूप है जिसको सौंठ कह देते हैं वो 250 ग्राम की मात्रा में आपको ले लेना है, और इनको पीस लेना है। इनको पीसने के बाद 250 ग्राम के आपको 2 हिस्से कर लेने हैं, 125 ग्राम अंदाजे से, क्योंकि घर में काटा तो कोई नहीं रखता, बिल्कुल आइडिया से इसको 2 खुराकों में बांट लेना है। और बांटकर इसको आप पानी में उबाल लीजिए। जब पानी आप मान लीजिए 2 लीटर पानी ले लीजिए, 2 लीटर पानी में उबाल लीजिए जब तक आपका जो पानी है वो आधा नहीं रह जाए, यानी कि 1 लीटर पानी या उससे थोड़ा बहुत कम रह जाए, तो इसको गैस से नीचे रख लेना है और इसको बिल्कुल छान कर, और इसमें आप 150 ग्राम गुड़ मिलाकर थोड़ा ठंडा कर अपने पशु को दे दीजिए। आपके जो पशु है वो 3-4 घंटे में बिल्कुल आसानी से जेर गिरा देंगे, और तब भी आपके पशु ने जेर नहीं गिराई तो जो दूसरी खुराक है उसमें भी ऐसी ही विधि कर उसको भी इतने ही पानी में डालकर, इतना ही गुड़ डालकर अपने पशु को खिला दीजिए। आपका जो पशु है वो बिल्कुल ही जल्दी जेर गिर देगा, निश्चित ही जेर गिरेगा। और दोस्तों, जो अश्वगंधा है आपके पशुओं के अंदर एनर्जी ला देगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि अश्वगंधा इंसान भी खाते हैं, पशुओं में इंसानों में एक जो नई ऊर्जा का संचार है वो अश्वगंधा कर देता है, जिससे आपका जो पशु है वो मिल्क फीवर में आने से बचेगा, आपके जो पशु की शक्ति है वो ज़्यादा हो जाएगी, और जो दूध की नसें हैं जिनको मिल्क वेन भी कहा जाता है वो भी बिल्कुल अच्छे से खुल जाएंगी उन, क्योंकि जब पशु डिलीवरी टाइम में आता है तो उस समय जो उसका डिलीवरी पीरियड रहता है तो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, और जो पशु है वो बिल्कुल ही एनर्जी से लो हो जाता है। यदि आप अपने पशु को कोई एनर्जी की फीड दीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार अपने यहाँ बनाने के बाद पशु को गुड़ दिया जाता है और कई जगह नीम के पत्ते खिला दिए जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप अश्वगंधा दोगे तो आपके जो पशु की जेर तो गिरेगी गिरेगी, साथ में जो पशु में एनर्जी लेवल है वो भी अपने आप बूस्ट हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो आप सभी के सामने बताना चाहता था, और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सभी भाई सब्सक्राइब कर देना, और सभी भाइयों का हाथ जोड़कर बार बार धन्यवाद जो आप इस चैनल को इतना अच्छा प्यार दे रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद।